नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पंपोर हमले में आज दी जा रही है शहीद जवानों को अंतिम विदाई। पुणे में नम आंखों के साथ शहीद सौरभ का किया गया अंतिम संस्कार। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। यूपी में आज पीएम मोदी और राहुल गांधी की रैली। कानपुर में पीएम मोदी करेंगे सभा को संबोधित, तो जौनपुर में राहुल दिखाएंगे ताकत। नोटबंदी का 41वां दिन आज। पीएम की डेडलाइन में सिर्फ 10 दिन बाकी। 40 दिन बाद भी दूर नहीं हुई है कैश की किल्लत। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रस्ताव से सियासी हड़कंप। सूबे की सभी 70 सीटों पर महिलाओं को उतारने की आलाकमान से की गई सिफारिश। पठानकोट एयरबेस हमले पर मोहारी कोर्ट में चार्जशीट दायर करेगी एनआईए। चार्जशीट में मसूद अजहर और उसके भाई रऊफ अजहर का नाम दर्ज। रूस ने फिर बढ़ाई भारत की चिंता। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का किया समर्थन, साथ ही अपने यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन प्रोजेक्ट को सीपीईसी के साथ लिंक करने की कही बात। और 15 साल बाद भारत ने जीता जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी का खिताब। फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से दी मात। गुरजन सिंह बने मैन ऑफ द फाइनल। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।